हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का चैप्टर रेडियो एक्टिविटी का सेकेंड लेक्चर पढ़ाते हैं। इसमें औसत आयु, अर्ध आयु, क्षय नितांक, सक्रियता के बारे में पढ़ाते हैं। आइए, अर्ध आयु क्या होती है? अर्ध आयु, हाफ लाइफ, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है तो जितने समयांतराल में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह समय या वह समयांतराल अर्ध आयुकाल कहलाता है। जितने समयांतराल में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे एक पोलोनियम है 84214, इसकी जो अर्ध आयु है, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं अर्ध आयु काल को, समय है 10^-5 सेकेंड, बहुत कम, इसलिए ये ज़्यादा प्रकृति में पाया नहीं जाता। और जैसे एक तत्व है यूरेनियम 92238, इसकी जो अर्ध आयु होती है वो लगभग 4.5×10^9 वर्ष होती है। तो ये प्रकृति में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी अर्धायु यूरेनियम की 4.5×10^9 वर्ष है। तो अर्धायु क्या है? जितने समयांतराल में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है वह समय अर्धायु काल कहलाता है। अब पढ़ते हैं अर्धायु और क्षय नीतांक में संबंध। क्षय नीतांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, मान लो टी बराबर 0 समय पर, उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? एन नॉट है, ये प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है। और टी समय बाद या अर्धायु में उसकी प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या क्या हो जाती है? आधी। तो ये एन क्या है? शेष बचे परमाणुओं की संख्या। जैसे कोई यूरेनियम रेडियोएक्टिव पदार्थ है तो प्रारंभ में इसके जो परमाणु हैं एन नॉट है, जब ये इसका विघटन शुरू नहीं हुआ है, अर्थात टी बराबर 0 समय पर एन नॉट है, जब आधा भाग ये क्षय हो जाएगा तो ये अर्धायु काल समय हो गया। तो आधा क्षय होगा तो एन नॉट बटे 2, क्षय हो गया आधा तो बचा क्या? एन, ये शेष मात्रा होती है रेडियोएक्टिव पदार्थ की। तो रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार, रदरफोर्ड व सोडी के नियम से फार्मूला सिद्ध हुआ था एन बराबर एन नॉट ई की पावर -λT। तो इस सूत्र में हम एन की जगह एन नॉट बटे 2 और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख देते हैं। तो एन की जगह क्या हो जाएगा? एन नॉट बटे 2 बराबर एन नॉट ई की पावर -λT। ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 1/2 बराबर ई की पावर -λ कैपिटल टी रख देते हैं अर्धायु टी। इसको हम लिख सकते हैं 1/e^λt, 1/2 बराबर इतना, तो इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ई का पावर लैम्डा टी बराबर 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 2। अब लैम्डा टी बराबर लिखेंगे तो ये जो ई उधर जाएगा तो लाग में चेंज हो जाता है, लाग 2। तो अगर हम टी बराबर लिखेंगे तो लाग
टू अपान लैम्डा, ये संबंध होता है। और लॉग टू का मान 0.6931 बटे लैम्डा। तो ये अर्ध आयुकाल टी और छह नीतांग में संबंध आ गया, टी बराबर 0.6931 बटे लैम्डा। अब सक्रियता क्या होती है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसकी सक्रियता क्या होती है। सक्रियता तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। और रदरफोर्ड सोडी ने बताया कि जो सक्रियता आर होती है रेडियो एक्टिव पदार्थ में शेष बचे, लास्ट में जब परमाणु जितने बचते उसके क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे एन बराबर एन नाट बटे दो, अर्धायु आधा भाग छः हो गया, तो जो बचे परमाणु एन शेष मात्रा बची एन बराबर एन नाट बटे दो, तो एक अर्धायु में इतने बचे। अगर दो अर्धायु में लिखेंगे तो आ जाएगा एन नाट बटे फोर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन नाट एक बटे दो होल पावर एक। इसको क्या लिख सकते हैं, एन नाट एक बटे दो। इसी प्रकार तीन अर्धायुओं की संख्या में कितने बचेंगे, एन नाट बटे आठ, अर्थात लिख सकते हैं इसको एन नाट एक बटे दो होल का पावर तीन। तो ये बढ़ता जा रहा, तो इसी सूत्र को लिख सकते हैं एन बराबर एन नाट एक बटे दो होल का पावर एन, जहां एन क्या है, अर्ध आयुओं की संख्या, अर्ध आयुओं की संख्या, अर्ध आयुओं की संख्या एन बराबर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। ये हो गया सक्रियता। सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो सक्रियता का मात्रक होता है वो होता है क्यूरी, क्यूरी या एक क्यूरी। एक क्यूरी क्या होता है, यदि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है उसमें 3.7×10^10 विघटन प्रति सेकेंड है, विघटन प्रति सेकेंड, तो उसकी जो सक्रियता होती है एक क्यूरी कहलाती है। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7×10^10 विघटन प्रति सेकेंड हो तो उसकी सक्रियता एक क्यूरी कहलाती है। अर्थात कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ एक सेकेंड में इतने परमाणु विघटित हो जाए तो उसकी सक्रियता एक क्यूरी कहलाती है। तो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, क्यूरी होता है। एक और मात्रक होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड एक रदरफोर्ड बराबर 10^10 × 6 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं, विघटन प्रति सेकेंड। या एक क्यूरी बराबर 3.7×10^10 विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी या रदरफोर्ड होता है। औसत आयु, एवरेज लाइफ क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु, औसत आयु, एवरेज लाइफ, औसत आयु, औसत आयु को टाउ से डिनोट करते हैं। छह नीतांग जो होता है लैम्डा, इसके व्युत्क्रम को ही औसत आयु कहते हैं। छह नीतांग के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं। अब लैम्डा का मान हमने क्या निकाला, टी बराबर 0.6931 बटे लैम्डा। तो इसे लैम्डा का मान निकालेंगे तो 0.6931 बटे टी, ये लैम्डा का मान हम यहां रख दें, तो टाउ बराबर 1/ लैम्डा की जगह कितना रखेंगे, 0.6931 और बटे टी, ये टी ऊपर चला जाएगा। तो और 0.6931 का भाग एक में देंगे तो आ जाएगा 1.44
तीन इंटू ये टी ऊपर चला जाएगा, तो एक ये संबंध आ गया आपका छह नीतांक और औसत आयु में संबंध ये, और औसत आयु अर्धायु काल में संबंध ये है, टाऊ बराबर 1.443 इंटू कैपिटल टी, ये हो गया औसत आयु। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।